वास्तव में प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग ना होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रीति होती है। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि तीनों एक ही तत्व में हो जाती है। भगवान ने श्लोक में दो बार तथा आगे के श्लोकों में एक बार एवं और च पद का प्रयोग किया है। इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्मयोगी की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। तस्य कार्य न विद्यते, मनुष्य के लिए जो भी कर्तव्य कर्म का विधान किया गया है उसका उद्देश्य परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। किसी भी साधन कर्मयोग ज्ञान योग तथा भक्ति योग के द्वारा उद्देश्य की सिद्धि हो जाने पर मनुष्य के लिए कुछ भी करना जाना अथवा पाना शेष नहीं रहता, जो मनुष्य जीवन की परम सफलता है। मनुष्य के वास्तविक स्वरूप में किंचित मात्र भाव न रहने पर भी जब तक वह संसार के संबंध के कारण अपने में अभाव समझकर और शरीर को मैं तथा मेरा मानकर अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य शेष रहता है। परंतु जब वह अपने लिए कुछ भी न करके दूसरों के लिए अर्थात शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के लिए माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के लिए समाज के लिए देश के लिए और जगत के लिए संपूर्ण कर्म करता है तब उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कारण के स्वरूप में कोई भी क्रिया नहीं होती। जो भी क्रिया होती है संसार के संबंध से ही होती है और संसारिक वस्तुओं के द्वारा ही होती है। अतः जिनका संसार से संबंध है उन्हीं के लिए कर्तव्य है। कर्म तब होता है जब कुछ ना कुछ पाने की कामना होती है और कामना पैदा होती है अभाव से। सिद्ध महापुरुष में कोई अभाव होता ही नहीं, फिर उनके लिए कर्म कैसा? कर्मयोग के द्वारा सिद्ध महापुरुष की रीति तृप्ति और संतुष्टि जब अपने आप में हो जाती है तब कृत कृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाने से वह विधि निषेध से ऊंचा उठ जाता है। यद्यपि उस पर शास्त्र का शासन नहीं रहता तथापि उसकी समस्त क्रियाएं स्वाभाविक ही शास्त्रानुकूल तथा दूसरों के लिए आदर्श होती है। यहाँ तस्य कार्य न विद्यते पद का अभिप्राय है यह नहीं है कि उस महापुरुष से कोई क्रिया होती ही नहीं। कुछ भी करना शेष न रहने पर भी उस महापुरुष के द्वारा लोक संग्रह के लिए क्रियाएं स्वतः होती है। जैसे पलकों का गिरना उठना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना आदि क्रियाएं स्वतः है, प्रकृति में होती है, ऐसे ही उस महापुरुष के द्वारा सभी शास्त्रानुकूल आदर्श रूप क्रियाएं भी कर्तव्यता अभिमान न होने के कारण स्वतः होती है। इसका परिशिष्ट भाव जरा समझते हैं। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जैसे गंगा जल से गंगा का ही पूजन किया जाए ऐसे ही संसार से मिले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और अहम को संसार की ही सेवा में लगा देने से चिन्मय स्वरूप शेष रह जाता है। इसलिए उसकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि स्वरूप में ही होती है। संसार की विधि और निषेध दोनों वास्तव में निषेध है क्योंकि ये दोनों ही नहीं रहने वाले हैं। इसलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी के लिए कोई विधि निषेध रहता ही नहीं। तस्य कार्य न विद्यते से इसका हम समापन करते हैं। तो हमने ये अभी श्लोक 17 किया, इसको दो भागों में किया, पहला एक पार्ट दूसरा एक पार्ट, और इसके आने वाले पार्ट में हम श्लोक 18 से पढ़ेंगे।